हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डिंपल बजाज, स्पीकर्स एंड मोटिवेटर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, हम कैसे अच्छी हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हेल्दी लाइफ, स्वस्थ रहने की कामना करना। हम सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये सब हम जानते हैं, ये आपको सब बताते ही हैं और आप सब जानते हैं बेहतर। दोस्तों, आज हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो हमने कभी सोचा नहीं है, जिनकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं गया, तो उस तरह से हम इसको बात करते हैं। हमारा शरीर जो है एक्चुअली विचारों और कल्पनाओं से बना हुआ है। जो हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, लेकिन हम जो सोचेंगे उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत पड़ता है। अब तो मेडिकल साइंस भी ये मानने लगी है कि हमारे को स्वस्थ रखने में हमारे विचार बहुत बड़ी सहायता प्राप्त करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सोचो कि एक पेशेंट है, उसने ये सोचा है वो टैबलेट लेगा, वो खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने सोचा है कि उसको विश्वास है कि ये खाने से वो ठीक हो सकता है। तो आप अपने विचारों को और अपनी सोच को इस दिशा में लगाइए कि आप उस अपने स्वास्थ्य को भी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें अब प्रकृति को एंजॉय करना चाहिए। जोश और उमंग और प्रसन्नता अपने अंदर भरनी चाहिए। जितना जोश हमारे अंदर होगा, हम प्रसन्न रहेंगे, उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव विचार हमें बीमार करने के लिए काफ़ी है। जब भी आप कुछ ऐसा विचार आपके मन में आता है, आप टेंशन में हैं, तो आपको एकदम से सर में दर्द, बॉडी में पेन आप फील करेंगे। जितना डिप्रेशन में आप जाते जाएंगे, आपका शरीर बीमार पड़ने लगेगा, आपके शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, एक नेगेटिव विचार आपको बीमार कर सकता है। आपको इन विचारों से और इन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, अपने विचारों को नई दिशा देनी होगी। अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो आपको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कोशिश करें कि आप खुश रहें, टेंशन को अपने पास नहीं आने दें। अगर ऐसे विचार आते भी हैं तो आप इनको डाइवर्ट करें। इनको डाइवर्ट करने के लिए आप कॉमेडी फिल्म्स देख सकते हैं, हंस सकते हैं, बच्चों के साथ बातें करें, उनके साथ खेलें, मजाक करें, तो ये डेफिनेटली आपको आपके हेल्दी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ, ये सत्य घटना पे आधारित है। एक लेडी, उसको कैंसर हो गया, डॉक्टर्स ने बताया कि वो अब शायद नहीं बच पाएगी, उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, बट उसने अपने मन में ठान लिया कि उसे ठीक होना है, उसको अभी जीना है, उसको अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना है, वो मर नहीं सकती। बस ये सोचना था कि 3 महीने के अंदर अंदर वो लेडी बिल्कुल ठीक होगी विदाउट एनी मेडिसिन, एनी कीमोथेरेपी। तो ये कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, उसने इसके लिए थोड़ा सा प्रयास किया। वो क्या किया, बस इतना ही किया कि उसने रोज़ सुबह उठकर भगवान से थैंक यू बोलना शुरू किया कि आपने मुझे जीवन दिया है, इसके लिए बहुत थैंक यू, मैं इस जीवन को, इस लाइफ को और इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, बिल्कुल निरोगी हूँ। बस ऐसे विचार लाकर उसने अपने आप को डाइवर्ट किया दूसरी चीज़ों से। वो कॉमेडी फिल्म्स देखती, बच्चों के साथ खेलती, गार्डनिंग करती, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती, फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करती। मतलब उसने अपनी लाइफ को टोटली इस तरह से चेंज किया कि वो एकदम से ठीक हो गई। और ये एकदम सत्य घटना है दोस्तों, अगर वो इस स्टेज पर आकर ऐसा कर सकती है तो हमें तो भगवान ने एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क दिया है, हम तो बिल्कुल भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी बातें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में लाकर अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं और कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब कुछ संभव है इस लाइफ में। हम जो चाहें, जैसा चाहें हम वो बना सकते हैं। 3 जादुई शक्तियाँ हमेशा याद रखिए दोस्तों। एक तो थैंक यू का भाव, कि आप हमेशा लोगों को थैंक यू बोलना सीखिए, शुरू कीजिए उनको थैंक यू बोलना, इससे आपको खुशी मिलेगी। जब आप खुश होंगे तो आप दूसरों को भी खुशी देंगे, और हमारी लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो आप देखिए आप कैसे ठीक नहीं रहेंगे। थर्ड, खुश रहना, प्रसन्न रहना, हमेशा हैप्पी रहिए, कितनी भी टेंशन हो उनको दूर रखिए और हंसिए। ये 3 जादुई शक्तियों का अगर अपनी लाइफ में आप अपनाएंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तो हमें कभी भी बीमारी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली इससे होता क्या है कि बीमारी के बारे में हम जब भी अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से बात करते हैं, तो उनसे हमें कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, वो सिर्फ हमारी बात सुनेंगे, वो हमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ एक सिंपत्ति का भाव देंगे। लेकिन उससे क्या होगा, आप नेगेटिव होते चले जाएंगे, आप बोलेंगे मैं बीमार हूँ, मुझे ऐसा हो गया।
जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप बीमार ना होते हुए भी और ज़्यादा बीमार होते चले जाएंगे। आपको इन विचारों से, इन बातों से अलग होना है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलें, कोई भी पूछे कैसे हैं, तो आप बड़ा ही खुश होकर हेल्दी बोले, आई एम फाइन, हैप्पी, आई एम मस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब आप ऐसा भाव रखेंगे तो डेफिनेटली आप ठीक ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो इसलिए आप इन विचारों पर ही रहिए कि आप बिल्कुल ठीक है। कभी भी बीमारी के बारे में डिस्कस मत कीजिए। बीमारी के बारे में डिस्कस करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कम नहीं होंगी। बाकी डॉक्टर्स को आप अपना काम करने दीजिए, उनकी जो मेडिसिन है वो भी आपको तभी इफेक्ट करेंगी जब आप सोचेंगे कि आपको इस मेडिसिन से लाभ होगा, आप ये मेडिसिन खाने से ठीक होंगे। लेकिन जब आप ट्रस्ट नहीं रखेंगे अपने पर, तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए बीमारी के बारे में कभी भी बात मत कीजिए, हमेशा खुश रहिए। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।